तो आज के ब्रेकफास्ट में है पनीर के पराठे, जिसमें से कि पनीर ढूंढना पड़ रहा है। क्यों पनीर के पराठों में पनीर ही नहीं है? ऐसा कैसे यशो, पनीर के पराठों में पनीर ही नहीं है भाई, पनीर कहाँ चला गया? कोई बात, पनीर के पराठे क्यों नहीं बनाते है? पूरे पनीर के पराठे क्यों नहीं बेटा? कैसे बन सकते हैं? आटे में तो मिलाना पड़ेगा। हेलो बेबी, ब्रेकफास्ट कर लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आई हूँ अभी पार्लर में, और पार्लर में ना इस टाइम चल रहा है मेकअप, अंदर की साइड में मेकअप चल रहा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तेज बारिश पड़ रही है, मतलब बिल्कुल बाहर का दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और आज हमारे मेकअप भी हैं, और एक नहीं काफ़ी सारे मेकअप हैं, बट इस बारिश की वजह से ना सब डिले हो जाएंगे, क्योंकि आधे कस्टमर जो है वो बारिश की वजह से फिर आएंगे नहीं, और मतलब उन लोगों का मेकअप भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो आज हम लोगों का ना दिन पूरा बर्बाद हो गया, और बेचारों का उनका देखो जिनकी है इस टाइम रिंग सेरेमनी वगैरह, मतलब उन लोगों का कैसे हो रहा होगा। किसी का फंक्शन बाहर होगा, और आज अच्छा खासा फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे मेकअप हैं, तो जाहिर सी बात है फंक्शन ही है आज काफ़ी। तो सोचो कितनी ज़्यादा इसने बारिश ने ना सब ख़राब करके रख दिया। तो सुबह अभी अर्ली मॉर्निंग ही है, 10:30-11 बज रहे होंगे, उतने में ही देखो कितना ड्रामा हो रहा है। बारिश के मौसम में हम लोगों ने बनवाए हैं प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, पनीर के पकोड़े। तो सबसे पहले आए हैं प्याज के पकोड़े बनकर। पापा तुम्हारे लिए प्याज के पकोड़े आ गए बनकर। तो आप देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं। भगोना बन के तो आ चुके हैं आलू के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, ये बच्चे पहले ही खा गए। भगोना बन के आलू उसमें बेसन में है, और अभी और आलू चल रहे हैं। हाँ तो चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, इन लोगों के लिए बनने हैं ना। हम लोग आए हैं कुछ खाने पीने, जो है हमारी फेवरेट जगह। पापा वो खड़े हैं, खुशी पापा वो खड़े हैं, और बच्चे जो हैं वो हमारे साथ आए थे। क्या खाओगे बच्चों? ये लोग मुझे पार्लर से उठा के लिया है, पार्लर बंद हो गया है मेरा। और क्या, तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया, किडनैप। तो अभी हम लोग यहाँ से कुछ पैक करा रहे हैं, घर पे चल के खाएंगे, और फिर उसके बाद जाते हैं घर। और आज तो खाने में क्या बनाया पता, भिंडी। ओह, भिंडी पराठा बनवाया मैंने। अच्छा, तुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती? देखो जी कितना खुश हो रहा था कि भिंडी अच्छी नहीं लगती। खुशी की फेवरेट है भिंडी। भिंडी और पराठा बनवाया मैंने आज। खुशी के गोलगप्पे भी मेरे। अच्छा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे क्यों लड़ रहे हो? महाराष्ट्र ने मेरे। क्यों मार रहा है एक दूसरे को? एक दूसरे को क्या, इसने ही मारा सिर्फ मेरे। खुशी इधर देखो जरा, बदतमीजी। बोलना मौन में रहते क्या तेरा, आज बोल क्यों नहीं रही है? दोनों भी बोल क्यों नहीं रही है? दिमाग खराब है। नहीं तो है ही दिमाग खराब इसका। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद जाएंगे घर। यार पता है, बाहर निकलना ना बहुत जरूरी है, घर के अंदर अंदर। एक तो इतनी ज्यादा पूरे दिन ठोका पीटी चलती रहती है, दिमाग खराब हो जाता है ना, बहुत ही आवाजें आती हैं। पार्लर में भी चले जाओ तो पार्लर में भी इतनी आवाज आती रहती है बहुत।
फिर हमने सोचा कि चलिए शाम के टाइम, वैसे हम डेली आते हैं घूमने के लिए, मैं डेली दिखाती नहीं हूँ बट डेली ज्यादातर, मतलब एक दो दिन का ही गैप हो जाता है कभी कभी, अदरवाइज हम लोग डेली शाम के टाइम घूमते हैं जब मेरा पार्लर बंद हो जाता है उस बीच घूमते हैं। और पार्लर पे तो क्योंकि अब तो थोड़ा लेट भी बंद हो रहा है क्योंकि काम आ रहा है पार्लर पे इस टाइम, रिंग सेरेमनी वगैरह चल रही है बच्चों की, नौ दुर्गे स्टार्ट हो गए तो उसकी वजह से ना रिंग सेरेमनी वगैरह स्टार्ट होने वाली है, मतलब काफी काम है, लोग आ रहे हैं, मतलब कनागत में भी खूब आ रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नौ दुर्गे अब स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद तो काम है ही। हाँ चलिए अभी दिखाते हैं आपको कि हम लोग क्या क्या खाने वाले हैं, है ना ध्रुवी? क्या खाओगे तुम? गोलगप्पे और पापड़ी। मैं खाऊंगी दही बड़े, दही बड़े खाऊंगी।